नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी छठी प्रश्नावली जो 6.1 अपन पिछली क्लास में पूरी कर चुके थे, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बेसिक लेवल से समझाया हुआ है। आज अपन बात करेंगे इस छठी की विविध प्रश्नमाला के बारे में, यानी आज अपन बात करेंगे जो इसकी विविध प्रश्नमाला है उसके बारे में। एग्जाम में क्या होता है कि एक नंबर के जो प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं या कभी कभी तीन नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो उसके लिए विविध प्रश्नमाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है क्योंकि अपने इस वीडियो के अंदर पूरा विविध प्रश्नमाला का डिस्कस करेंगे, यानी पूरी प्रश्नमाला विविध के जो सभी सवाल है वो सारे इसी में एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आप देखने के बाद विविध प्रश्नमाला समय से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसके एक एक सवाल, तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली एक एक सवाल से। पहले सवाल से देखते हैं जो शुरू में है छोटे प्रश्न उसके बारे में, फिर अपन बड़े प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके पहले सवाल से, आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है टेन स्क्वायर 60 का मान आपको निकालना। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, तो आपको पता है टेन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3, और इसका क्या करना है? स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसके चार उत्तर दिए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो आपको सीधा हल करके इस तरह से निकालना। इस तरह के प्रश्न आपके एक नंबर में एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको भी अच्छी तरह हल करना है। दूसरा सवाल दिया है 2 sin² 60 cos 60 का मान क्या होगा? तो देखो, आपको देखो 2 की जगह 2 sin 60 का मान कितना होता है? आपको पता है अंडर 3/2, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। इनटू cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। सिंपल सा हल कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इनटू 2, तो ये आप काट सकते हैं 2 एकम, ये इस 2 से, फिर 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 3। इसमें भी आंसर कितना आ रहा है? 3। तो देखो सिंपल सा आपको सारणी से मान रखना है और हल करना है। इसमें भी आपसे पूछ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान से सवाल देखें इसको अच्छी तरह। यदि cosec थीटा बराबर आपको दिया हुआ है, cosec थीटा बराबर दिया है 2/√3, तो थीटा का मान बता रहे हैं। देखो cosec थीटा, अब आपको ये देखना है cosec वाली लाइन में 2/√3 किसका मान होता है? cosec में, तो आपको पता है cosec 60 का, तो यहां लिखेंगे cosec थीटा बराबर cosec 60 डिग्री, और थीटा बराबर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? cosec cosec, यहां से cosec का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आपको इसको रेडियन में बदलना है, आप रेडियन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? इस थीटा को रेडियन में बदलने के लिए बता रहे हैं यहां पे π/160 लगाएंगे, π/180 कितना लगाएंगे? π/180, तो इसका मान रेडियन में आ जाएगा। तो यहां से 1 0 से 1 0, 6 + 6 = 18, तो थीटा बराबर अगर रेडियन में पूछ ले तो आप π/3 लिख देंगे। आपको किसी भी कोण को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? π/180 करेंगे। क्या करेंगे? ये देखो यहां पे इस तरह से किया है, पहले आपका मान है डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, किसमें? रेडियन में। तो जो भी आपको मान दिया हुआ है डिग्री के अंदर उसको π/180 से गुणा कर देंगे, तो अपना जो उत्तर आएगा वो किसमें आएगा? रेडियन में। ये आप लिख लें, अगर मान लो एक नंबर में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहां पर देखो 60 था, 60 इंटू π/180 किया है यहां पे, ठीक है, तो 60 के बड़े से 3 बार, तो कितना हो गया? π/3 रेडियन, ठीक है। चौथा सवाल बिल्कुल सिंपल, cosec स्क्वायर 45 का मान आपको पता है, cosec 45 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है सारणी से वो भी देख लेते हैं। आपको पता है सारणी से देखने पर पता चला 1/√2, और इसका सॉरी cos 45 है, cosec 45 नहीं है, cos 45 का मान कितना होता है वो आपको बताना है। cos 45 को सारणी से देखा तो 1/√2, और 1/√2 का मान कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1/√2। तो देखो एक नंबर में इस टाइप के सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन ये चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है। एक नंबर में पूछ सकते हैं आपको डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये थे आपके शुरू के 4 सवाल, इन 4 सवालों को आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 5वां सवाल, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है जिसके 4 उत्तर होते हैं उसमें से आपको एक सही बताना होता है, ठीक है, 4 में से कोई एक सही उत्तर होता है वो आपको बताना होता है, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। आपको दिया यदि थीटा बराबर 45 हो तो आपको इसका मान याद करना है, यानी अपन रख देते हैं थीटा बराबर 45 रखने पर, यह दिया हुआ है तो यही रख देते हैं, ठीक है। तो मान रखते हैं, देखो 1 - cos 2 × 45, ठीक है, यहां पर देखो 2 है 45 / sin 2 ×
यहाँ भी 45, तो ये मान कितना हो गया 1 माइनस कॉस 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90, बटे यहां भी गुणा करेंगे तो 90। कॉस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का 1, यानी 1 में से 0 गया तो 1, 1 बटे 1 का मतलब कितना हो गया 1, यानी इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1। इस तरह के सवाल आपके एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह करें। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे जो सवाल है आपको सिद्ध करने वाले, यानी आपको अब सवाल को सिद्ध करना है। एक LHS पार्ट होगा, एक RHS पार्ट, उसको बराबर सिद्ध करना है। तो देखो छठा सवाल आपको दिया हुआ है, cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो अपन क्या करेंगे, सारणी से मान रखने पर मान रख देते, cos 60 का मान आपको पता है सारणी से कितना होता है 1/2, इधर रखते हैं 2 इंटू cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 1, 1/2 यहां पर 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये इससे पूरा पूरा कट रहा है 2 बार, ठीक है। तो 1/2 बराबर ये बचा 3/2 माइनस 1, इसको देखो 1/2 को तो ऐसे रहने दो, इधर वाले को लघुतम लेकर करो, लघुतम लिया तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, यहां पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे आगे, तो सिंपल सी बात होगी, इधर 1/2 बराबर चल ही रहा है, इधर देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 1 से करेंगे 2/2, तो याद रहेगा 1/2 3 में से 1 जाएगा तो ये अपना हो गया बराबर से। देखो सारणी से मान उठा के आपको रखना है, ठीक है। यहां पर मान रखा, फिर उसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद यहां लघुतम लिया, और लघुतम लेने के बाद में आपका बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, यानी जो आपको सिद्ध करना दिया था वो कर दिया। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर आपने छठी प्रश्नावली 6.1 अच्छी तरह देख ली तो ये तो आपके लिए बहुत ही मामूली से सवाल होंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सातवां सवाल, जो आपको इसके बराबर सिद्ध करना है, यानी साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, इसके बाद बराबर सिद्ध करना है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसके बराबर मान रख के और इसको बराबर सिद्ध करना है। तो यहां पर सीधा मान रखेंगे, मान रखने पर सीधा सारणी से साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2 बराबर इसका मान रखते हैं 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 और इसका स्क्वायर करना है। अब तो आपको सिर्फ इसको हल करना है, इसके बराबर आ जाएगा। इधर तो आपको अंडर रूट 3/2 ही चलाना है, ऊपर देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/√3 हो गया, ठीक है। ऊपर बटे नीचे बटे में देखो क्या करेंगे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 का 1, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। आपको फिर से बताया इधर तो यही चलाना है, इधर देखो ऊपर तो 2/√3 रहेगा, बटे बटे में क्या करते हैं यहां पर ले लेते हैं इसका लघुतम, तो लघुतम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1। देखो यहां पर बिल्कुल सिंपल सा किया है, यहां इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में मान लिया 1, अब यहां 3 और 1 का लघुतम कितना होता है 3। अब देखो इसके बट्टे में 1 है, 1 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है 3 बार, तो इस 1 को 3 से गुणा करेंगे ये फिर प्लस, तो ये प्लस हो गया 1। अब 3 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है, तो इस 1 के साथ 1 की गुणा करेंगे। तो अब ये लिख लेते हैं, ये जो आपको इधर तो अंडर रूट 3/2 पड़ा है, ऊपर पड़ा है अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 3/3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 और 1 कितने हो गए 4/3। इधर आपको वैसे ही चलाना है अंडर रूट 3/2, इधर देखो डबल बट्टे में संख्या होती है तो नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, इसको 3/4, ठीक है। यहां पर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं 2 बार, तो ये आ गया ये। अब देखो इधर तो अंडर 3/2 पड़ा है, ये ऊपर 3 बचा है, 2 अंडर 3 अंडर 2 बचा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पहले बताया था 3 को लिख सकते हैं अंडर 3 इंटू अंडर 3, और नीचे बचा हुआ है अंडर 3 इंटू 2, नीचे वाली संख्या ये 2 और ये अंडर 3 बचा हुआ था, ऊपर 3 बचा हुआ था, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, 2 बार अंडर 3 को गुणा करते हैं तो क्या आता है 3, ठीक है। इससे 1/√3 से 1/√3 कट जाएगा और आपके पास बचेगा 3/2 बराबर 3/2 जो आपको सिद्ध करना था, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे आते हैं LHS बराबर
आरएचएस, ठीक है। थोड़ा सा सवाल में यहाँ पर देखो, ये कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी सवाल तो बहुत बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये भी आप इसको भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, आठवां सवाल, ये भी उसी तरीका है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान रखने पर मान लेते हैं cos 8 का मान कितना होता है 1/2, और इधर मान लेते हैं 1 माइनस tan 30 का मान, अभी निकाला था 1/√3 और इसका स्क्वायर, फिर बटे में भी क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इसका भी 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको इधर वाला तो इधर चलाना होता है, इसको हल कर लेते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ऐसे भी बटे में आ जाएगा 1। अब देखो ये सिंपल सा सवाल बन गया, ऊपर और नीचे लघुतम लेना है, तो यहाँ पर देखो इधर तो 1/2 ही रहेगा, ऊपर इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लिया, ऊपर भी लघुतम 3 आएगा, 1/3 माइनस 1/1, बटे में भी ये 1/3 प्लस 1/3, ये ले लिया लघुतम। लघुतम लेने के बाद में तो बिल्कुल आसान हो गया, इधर तो 1/2 का 1/2, इधर देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 1/3, ठीक है, और बटे में 3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/3 बटे 4/3, डबल बटे में संख्या है, उल्टा गुना कर देते हैं 2/3 गुना 3/4, तो ये 3 से 3 कट हो गया, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2, बिल्कुल आसान सा सवाल था, ठीक है। और ये था अपना LHS बराबर RHS। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर tan 30 का मान रख देना है, मान रख दिया, ठीक है, इधर 60 का मान रख दिया, मान रखने के बाद में इसका स्क्वायर किया तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, यहाँ रख दिया माइनस के अंदर, देखो ये माइनस था इसके आगे तो ये माइनस लगा है, दूसरे में बटे में प्लस है वही मान है तो प्लस में वही मान रख दिया, फिर क्या किया, ऊपर वाले का अलग लघुतम ले लिया और नीचे वाले का अलग लघुतम ले लिया, ठीक है। लघुतम लेने के बाद में इसको हल किया तो यहाँ पर आ गया 3 - 1/3 और 3 + 1/3, इसको हल किया 3 में से 1 गया तो 2, 3 में 1 जोड़ा तो 4, ठीक है। फिर डबल बटे में संख्या आती है तो नीचे वाले को उसको ऊपर वाले के गुणा में ले जाते हैं और उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर करने के बाद जो संख्या कर गई और जो बचा वो अपना LHS के बराबर था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको भी लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला नवा सवाल, उसी तरीका है लेकिन इसको थोड़ा सा अलग लेवल से करेंगे। देखो यहाँ पर sin 45 + cos 45 का होल स्क्वायर दिया है, तो अपन यहाँ पे एक सूत्र लगा देते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, इसके LHS में, ठीक है, और बराबर वैसा का वैसा बना रहेगा। तो यहां पर मैंने लगाया इसके अंदर a की जगह साइन और b की जगह ये है, a की जगह साइन 45 रखना है, b की जगह cos 45, तो यहां पर देखो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 45 प्लस b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 45 प्लस 2ab, a का मतलब साइन 45 और b का मतलब cos 45, बराबर कितना है 2 आपको सिद्ध करना है। इतना समझ में आया, नहीं तो आप सीधा मान रख के भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा, जिसलिए आपको ये बताया है। अब देखो साइन 45 का मान आपने सारणी से देखा, अब यहां पर लिख रहे हैं मान रखने पर, देखो ये सूत्र और ये मान दोनों बराबर हैं, आप यहाँ पे हल करके देखेंगे तो बराबर आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान रखते हैं तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। कुछ बच्चे यहाँ पर देखो इनको सूत्र याद है, वो ये भी कर सकते हैं sin²θ + cos²θ कितना होता है 1, एक जैसा कोण है इसलिए होता है 1, लेकिन अपन मान रख के करेंगे cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2 * sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का भी 1/√2 और बराबर कितना है 2, इसको हल करते हैं 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 * 1/√2 को देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को 2 से गुणा किया तो 2, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2, ये देखो इससे कट गया, ठीक है, और बराबर अपने कितना आ रहा है 2। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा जोड़ते हैं तो कितना होता है 1, चाहे तो आप लघुतम लिख के हल कर लो, नहीं तो इसकी जगह लिख सकते हैं आधा और आधा जोड़ा तो 1 और ये भी था 1 बराबर 2, तो ये भी कितना हो गया 1 और 1 जोड़ने पर 2, तो ये 2 बराबर 2, ठीक है। तो ये अपना आ गया LHS बराबर
देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। अगर यहाँ पर ये सूत्र लगा देते तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बीजगणित का सूत्र है, ये आप लगाते बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या क्या किया, इसकी जगह ये मान खोल लिया पूरा, ठीक है। ए की जगह आपको साइन रखना है, बी की जगह कोस रखना है, तो ए का स्क्वायर, तो आप इस तरह से स्क्वायर नहीं रखेंगे, ध्यान रखना है, इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा रखते हैं साइन 45 का स्क्वायर, तो ये लिखना गलत है। किस तरह से लिखेंगे, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन 45 कोस 45, ठीक है, बराबर दो। इसका मान रखना है और सिंपल सा हल करना है, ठीक है। आधा और आधा एक होता है, चाहे आप लघुतम लेके कर लो, देख लो आपको यहाँ पे हल करके देखेंगे, एक जैसा लघुतम है तो संख्या एक और एक जुड़ जाती है, तो 2/2 का मतलब कितना होता है एक। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, सीधा आधा और आधा एक लिख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा सवाल, इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, 10वां सवाल। तो देखो इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ये LHS दिया है, उसके बराबर ये सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सीधा मान रखने पर, अपन लिखेंगे मान रखने पर, मान रख देते हैं। तो देखो 4 की जगह 4 इंटू 10, 30 का मान कितना होता है 1/√3। सारे मान सारणी से देख के रख रहे हैं। साइन 45 का कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है 3/√2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1, और बराबर सिद्ध करना है आपको 2 के। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखो ये यहां से क्या है 4 से ये कट गया 1 और ये 2 बार, ठीक है। ये 3 था, इस 3 से 3 कट गया, तो देखो एक स्टेप में इतने तो कट गए। अब क्या बचा हुआ है, ऊपर 2 बचा हुआ है, नीचे 2, ये 2/√2 बराबर आपको सिद्ध करना है। अब आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, 2/√2 आपको बताया था, जैसे 3 को लिख सकते हैं वैसे 2 को भी तो लिख सकते हैं, 2/√2, ठीक है। तो ये लिख लिया, इससे क्या हुआ, 1/√2 से 1/√2 कट गया, बराबर अपने पास 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके क्या बचा, 2, और बराबर भी क्या बचा, 2। तो बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा सवाल था ये, अपना हो गया LHS बराबर RHS। तो बहुत ही आसान सा सवाल था और आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। सीधा मान रखा, मान रखते देखो इतने मान कट गए, ये नीचे 3 था, ये ऊपर 3 था, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट गया, ये देखो 2 नीचे था और ये 4 सिर्फ गुणा में लिखा हुआ ना, ये ऊपर वाले के साथ गुणा में होता है, तो इससे कट गया 2 × 2, 2 का पड़ा 2 बार बोलने पर 4 आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा सवाल था, इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 11वां सवाल, आपको फिर से दिया है साइन स्क्वायर 60 कोट स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पर मान रखेंगे, तो साइन 60 का मान कितना होता है 3/√2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इंटू कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर हल कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, सिंपल सी बात है। ये देखो ऊपर 3 है, ये नीचे 3 से कट गया, 1 और 4 बचा, तो 1/4, इसका मान कितना आ गया 1/4। तो बहुत ही आसान सा और सिंपल सा सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 12वां सवाल, ये भी छोटा सा सवाल है। तो आपको दिया है 4 cos³ 30 - 3 cos³ का मान आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा पहले क्या करेंगे, सारणी से मान रखेंगे, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 होता है 3/√2, और इसका क्यूब करना है -3, cos 30 का मान कितना होता है 3/√2, ठीक है। इसको हल करते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 का क्यूब आपको बताया था, 3/√2 का आपको क्यूब निकालना है, क्यूब कैसे निकालेंगे, 3/√2 इंटू 3/√2 इंटू 3/√2, 3 बार लिखेंगे क्यूब का मतलब, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 3, यानी 3/√3 हो गया, ये हो गया 4 × 3/√3/2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 6 नहीं आएगा ध्यान रखना 8, -3 को 3 से गुणा करेंगे 3/√3/2, यहां से ये कट रहा है 4 8 से, ये 4 × 4 = 4, 2 = 8, तो ये कितना हो गया 3/√3/2 - 3/√3/2, एक जैसी संख्या उसी में से वही संख्या घटाते हैं तो क्या आता है 0। तो ये भी एक सिंपल सा छोटा सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल, क्यूब निकालने का तरीका 3 बार उसको गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करने पर 3 बन जाता है, 1 बार और 3 है तो वो रह जाएगा। तो इस तरह के आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, इस सवाल को भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 13 नंबर। यदि आप दिया हुआ है सवाल, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो आपको यह सिद्ध करना है इसके बराबर ये। तो सबसे पहले यह दिया हुआ है ना, इससे अपन कोण निकाल लेंगे। तो देखो आपको दिया हुआ है cot थीटा बराबर 1/√3। अब आपको क्या करना है, cot के अंदर ही देखना है 1/√3 किसका मान होता है, तो cot 60 का, यानी थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। यानी यहां पर थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 60 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। देखो आपको ये निकालना पहले था, ये जो इससे आपको दिया हुआ था इससे आपको थीटा निकालना था, तो थीटा आपने निकाल लिया। अब अपन ले लेते हैं इसका LHS। इस भाग का LHS क्या है, 1 cos² ठीक है, थीटा बटे 2 sin² थीटा। अब आप क्या करेंगे, थीटा बराबर कितना रखेंगे, 60 रखने पर थीटा बराबर कितना रख लेंगे 60। तो देखो 60 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 cos² 60 बटे 2 sin² 60। अब सीधा सा आपको क्या करना है, सारणी से मान रखना है। तो 1 cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 और इसका स्क्वायर बटे 2 sin 60 का कितना होता है, 3/2 और इसका भी स्क्वायर। इसको हल करके आपको बस उत्तर इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो 1 का 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, 1 का स्क्वायर 2 का 4 बटे 2 sin√3 का स्क्वायर 2 का 4। अब ऊपर अलग अलग उत्तर लेना है, नीचे अलग अलग उत्तर लेना है, सीधा सा आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लघुतम लेके देखते हैं, तो ऊपर वाले का लघुतम लेते हैं तो कितना आएगा, ये बराबर है ठीक है, ऊपर वाले का लघुतम ये 4, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 × 4 − 1 × 1। इसी तरह बटे वाला लघुतम लेंगे, ये भी आएगा 4, इसके बटे में कुछ नहीं 1, तो 2 × 4 − 3 × 1। सीधा सॉल्व करो, देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 1 को 1 से गुणा करेंगे, इसको गुणा करने पर 4 − 1 कितना होता है 3 × 3 = 4। इसको देखो गुणा करेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 8 में से 3 को 1 गुणा किया 3, यानी 8 में से 3 आएंगे तो 5/4। डबल बट्टे में संख्या होती है, इसको ऊपर ले जाएंगे और उल्टा गुणा कर देंगे ठीक है, तो यह जाएगा 3/4 × 4/5। तो ये 4 से 4 कर गया, क्या आ गया 3/5। यही था आपका LHS, लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्योंकि ये आपका क्या है RHS ठीक है। तो ये काफी अच्छा सवाल था और महत्वपूर्ण सवाल भी है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस सवाल को भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला 14वां सवाल। आपको इसमें दिया हुआ है LHS इसके बराबर सिद्ध करना है, बराबर में 0। तो अपन क्या करते हैं, इसका LHS वाला भाग ले लेते हैं। देखो LHS क्या दिया हुआ है, 3 tan² 30 + cot² 30 − 8 sin² 45 + cos² 30, ये आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा सारणी से मान रखना है। पहले tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस cot 60 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है √3, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 8 sin² 45, sin 45 का मान होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर 3/2, cos 30 का मान होता है 3/2, इसका स्क्वायर। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, पहले सबका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1/√3 का स्क्वायर आपको पता है 1/3, प्लस 3 का स्क्वायर 3, माइनस 8 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2, और 3/3 = 4। अब आपको क्या करना है, लघुतम लेना है, यहां पर लघुतम कितना आएगा 3 ठीक है, तो 1 × 1, 3 का पाड़ा एक बार बोलने पर आता है, प्लस 3 × 3 ठीक है, यहां बट्टे में 1 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है, 3 बार, तो गुणा में 3 लिखा। इसी तरह इधर भी लघुतम ले लेंगे, इधर लघुतम कितना आएगा 4, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 2 और 4 का लघुतम कितना होता है 4, 2 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 4 आता है 2 बार, प्लस
चार का पढ़ा एक बार, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, यहां पर देखो एक को एक से गुणा करेंगे एक, तीन को तीन से करेंगे नौ, तो कितना हो जाएगा एक प्लस नौ बटे तीन माइनस आठ। यहां पर देखेंगे दो को एक से गुणा किया दो प्लस तीन को एक से किया तीन बटे चार, ठीक है। इसको आगे हल करके देखते हैं, यहां पे देखो ये तीन गुणा में पड़ा है तो यहां पर लग गया मैंने तीन, नौ में एक जोड़ेंगे तो दस बटे तीन माइनस आठ इंटू तीन और दो जोड़ेंगे तो पांच बटे, तो ये तो तीन से तीन कट गया क्या बचा दस। यहां देखो चार एकम चार, चार दुनिया दो को पांच से गुणा करेंगे दस, दस दस में से दस गए जीरो, ये अपना क्या है आरएचएस, इसके बराबर क्या सिद्ध करना था आरएचएस यानी जीरो। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी जो आपको बराबर सिद्ध करना था वो आपने कर दिया। तो थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी सवाल तो आसान ही है, ठीक है। देखो आपने सबसे पहले क्या किया, ये जो मान थे सारणी से देख के मान लिए, फिर इनका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद इसका लघुतम लिया, लघुतम लेने के बाद में जोड़ना और घटाना था, वो घटाने के बाद में आपका आंसर सीधा 10 माइनस 10 कितना होता है जीरो, तो ये आपके पास आरएचएस के बराबर आ गया। इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला 15वां सवाल, वो भी उसी तरह बराबर सिद्ध करना है, तो ये LHS है वो RHS है, तो आपको पहले लिख लेना है LHS, जो आपको दिया हुआ LHS लिख दो चार, ये देखो साइन की पावर चार दिया हुआ है यहां पे, ध्यान रखना साइन की पावर चार प्लस कॉस साठ माइनस तीन कॉस स्क्वायर पैंतालीस माइनस साइन स्क्वायर नब्बे, ये आपका LHS वाला पार्ट है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, सारणी से मान रखना है, पहला स्टेप सबसे पहले क्या होता है LHS लिखना, दूसरे में क्या होता है मान रखना। तो साइन 30 का मान कितना होता है एक बटे दो, और इसका क्या करेंगे कितनी लगाएंगे पावर चार, अब चार पावर कैसे हल करते हैं वो भी देखेंगे, पहले एक बार मान रख लेते हैं। कॉस 60 का मान कितना होता है एक बटे दो माइनस तीन, कॉस 45 का मान एक बटे रूट दो, और एक बटे रूट दो का क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन 90 का मान एक और इसका भी स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब देखो यहां पर आपको करना है एक बटे दो की पावर चार, पहले ये सीख लेते हैं इसकी पावर चार लिखना, तो मतलब इसको चार बार लिखेंगे, जिसकी भी पावर चार है दो संख्या उसको चार बार गुणा करेंगे, तो ऊपर तो गुणा करने पर एक इंटू एक एक, फिर एक से करेंगे एक एक और एक, एक को कितनी बार गुणा करोगे। अब नीचे वाला देखो दो को दो से गुणा करेंगे चार, चार को दो से करेंगे आठ, आठ को दो से करेंगे तो सोलह, आठ नहीं लिखेंगे, देखो दो चार बार लिख दिया तो अपन क्या करते हैं चार इंटू दो आठ लिख देते हैं जो गलत है। आपको दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, ये क्या लिखना है एक बटे सोलह, तो आप यहां लिखेंगे चार इंटू ये तो ब्रैकेट में बार एक बटे सोलह प्लस एक बटे दो माइनस तीन, एक बटे रूट दो का कितना होता है एक बटे दो माइनस एक, अलग अलग लघुतम ले लो और हल कर लो, इसका लघुतम कितना आएगा सोलह, एक इंटू एक प्लस दो का पारा कितनी बार बोलने पर आठ बार बोलने पर, कितनी बार आठ बार, दो का बट्टे में दो है दो का पारा आठ बार बोलेंगे माइनस तीन, यहां पे लघुतम कितना आ जाएगा दो, ठीक है ये आ जाएगा एक इंटू एक माइनस एक इंटू दो, ठीक है। इसको हल करते आगे यह आ जाएगा एक प्लस आठ बट्टे सोलह माइनस तीन इंटू यह आ जाएगा एक माइनस दो बट्टे दो, आगे इसको हल करके देखते हैं। यहां से ये देखो चार इंटू आठ में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया नौ बट्टे सोलह माइनस ये तीन का तीन बड़ा है इंटू एक में से दो जाएगा नहीं, दो में से एक घटाएंगे तो माइनस का ध्यान रखा है एक बट्टे दो बचेगा, माइनस का एक बट्टे दो, ठीक है। ये से कट रहा है चार एकम चार, चार चौके सोलह यानी नौ बटे चार, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस तीन बटे दो, फिर से लघुतम लेंगे चार, नौ इंटू एक प्लस तीन इंटू दो, दो का पड़ा दो बार बोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा नौ प्लस छह बटे चार, नौ बटे छह कितना होता है नौ प्लस छह कितना होता है पंद्रह बटे चार, जो अपना क्या है आरएचएस, फिर क्या लिखते हैं अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी होती जा रही है, बाकी सवाल तो तीन स्टेप में पूरा हो रहा है। तीन स्टेप में कैसे,
देखो सबसे पहले आपको लिखना होता है LHS। LHS लिखने के बाद में जो सारणी से देख के मान लिखने होते हैं और उस मान का जो स्क्वायर करके हल करना होता है वो होता है तीसरा पार्ट। तो हल करने वाला पार्ट ही अपना बड़ा चल रहा है, बाकी तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक 15 महत्वपूर्ण सवाल था, इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल जो आपको दिया हुआ है, 16 सवाल, इसके बराबर ये सिद्ध करना है RHS। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसका LHS लिख दो, cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। इसका क्या करते हैं, सीधा सीधा आपको सबसे पहला स्टेप सारणी से देख के मान लिखना है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस sin 60 का भी कितना होता है √3/2। ये सारे मान सारणी से देख के लिखना है, एक की जगह cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। सवाल तो वैसे यहाँ पूरा हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना है, अगला पार्ट हल करने वाला पार्ट। अब हल करने वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो ऊपर ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2। एक जैसी संख्या है, देखो लघुत्तम के अंदर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ऊपर वाली संख्या सीधा जोड़ देंगे, अगर जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। ऐसे ही नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 × 1 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 2 आता है, 2 बार, प्लस है प्लस लगा, फिर 1 बटे में कितना है 2 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 2 आता है, 1 बार, फिर प्लस 1 × इस 2 का पाड़ा कितनी बार, 1 बार। ठीक है, ये तो था आपका लघुतम लेना। लघुतम लेने के बाद देखो √3 में √3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 2√3। ठीक है, ये आपने बेसिक में बात की थी, बटे 2, और फिर बटे में आएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 बटे 2√3 बटे 2 बटे में आएगा 2 में 1 जोड़ेंगे 2 में 1 फिर 1 तो कितना हो जाएगा 4/2। क्या करना है, उल्टा गुणा में रखना है, डबल बटे में संख्या आती है तो उल्टा गुणा में रख देते हैं 2/4। देखो यहां से सीधा 2 चाहे तो ये 2 काट सकते हो, चाहे ये 2 काट सकते हो, इस 2 से 2 एकम 2 2 2 4, तो ये कितना आ गया √3/2। जो अपना क्या है RHS, √3/2 ही तो लाना था, तो अपन लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आपने किया क्या यहाँ पे, स्टार्टिंग में सबसे पहले LHS ले लिया, LHS में क्या किया, सारणी से देख के मान रखा, सारणी से मान देख रखने के बाद में आपने ऊपर वाले भाग का अलग LCM ले लिया, नीचे वाले भाग का अलग LCM ले लिया, LCM लेके इसको जोड़ा तो आपके पास ये आ गया। अब क्या होता है, जब डबल बटे में संख्या होती है तो इसको ऊपर वाले संख्या के साथ उल्टा गुणा में कर देते हैं, तो ये आपका सिंपल सा सवाल हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर देखो एक और स्टेप कर सकते थे, ये जो आ रहा है ना √3/2 / 4/2, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 4 से 2 कट गया, तो ऊपर √3/2, तो सीधा भी कर सकते थे, ये भी तरीका, दोनों ही तरीके आपके पास, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस सवाल को भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, तो देखते हैं इसको ध्यान से देखिएगा ताकि ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो आपको ये भी सिद्ध करना है LHS बराबर RHS, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसका LHS लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है 2 cos² 45 + 10² 60 - 6 sin² 45 - 10² 30, ये आपका LHS है। अब आपको क्या करना होता है, अगले स्टेप में सबसे पहले इसका मान रखना है, तो ये मान रख देते हैं, cos 45 का मान कितना होता है 1/10√2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 10 60 का मान कितना होता है √3, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, -6 यहां पर करेंगे sin 45 का मान कितना होता है 1/10√2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, -10 30 का मान कितना होता है 1/10√3, इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर खोलना है, तो 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -6 यहाँ खोलेंगे 1/10√2 का, फिर से भी गेंगे 2 - 1/10√3 का 3। ठीक है, अब आपको लेना है लघुतम, तो यहाँ पर ले लेते हैं लघुतम, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 2 आ गया लघुतम, 1 × 2 + 3 × 2, ये कैसा है आपको समझ में आ गया होगा, 2 का पाड़ा एक बार बोलने पर आता है, ठीक है, और 3 का पाड़ा 2 बार बोलने पर, 2 यहां देखो 2 का पाड़ा एक बार बोला
तो दो आ गया, एक का पारा दो बार बोलने पर दो आता है इसलिए यहाँ दो गुणा लिखा है, माइनस छह। यहां पर भी देखो दो और तीन का लघुत्तम कितना आएगा छह, तो एक इंटू दो का पारा तीन बार बोलने पर माइनस तीन का पारा दो बार बोलने पर। अब तो आपको समझ में आएगा होगा आसानी से, एक को एक से गुणा करेंगे, एक तीन को दो से करेंगे छह बट्टे दो माइनस छह, एक को करेंगे तीन माइनस दो बट्टे छह। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो जोड़ घटा के, दो इंटू छह और एक कितना हो जाएगा सात बटे दो माइनस छह इंटू एक बटे छह, ये छह लिखा हुआ है तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा एक बटे छह, ये दो से दो कट गया ये कट गया तो ये आ गया सात माइनस एक, सात में से एक जाता है तो कितना बचता है छह। ये था आपका आर एच एस, तो क्या लिखेंगे आते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ये था आपका सत्रहवां सवाल, इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यहीं पर समाप्त होती है आपकी विविध प्रश्नावली छह, यानी पूरी छठी प्रश्नावली त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली छठी है वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आई या नहीं है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।